क्षति है ये बीजेपी के लिहाज से, भारतीय राजनीति के लिहाज से, हर उस शख्स के लिहाज से जो राजनीति में थोड़ा सा भी यहाँ पर दिलचस्पी रखता था, वो जानता था, जो समझता था, सुषमा स्वराज को समझता था, उनके व्यक्तित्व को। नेता थी जो सबको प्रिय थी, उनके ना जाने से बहुत कुछ खो दिया। विकास मंत्री सतीश महाना जो यहां पर दुख जता रहे थे, हर कोई दुख जता रहा है। एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला अब जारी है। जो भी ये खबर सुन रहा है, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि ऐसा व्यक्तित्व तो जिसने भारतीय राजनीति में संघर्ष से लेकर सफलता की वो कहानी लिखी हो, एक अमिट छाप छोड़ी हो, जिसने राजनीति में अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यशैली से, अपने समर्पण से, अपने मेहनत से, वो अब हमारे बीच नहीं है, उसकी छाया हमारे बीच में नहीं है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सतीश महाना एक बार फिर सुनाते हैं आपको। जिस समय 38 तारीख को आदरणीय मोदी जी ने शपथ ली थी, मेरी एक घंटा बातचीत हुई। पिछले हफ्ते मैं आया था तो उन्होंने मुझे कहा था अगली बार आना तो मुझे इसे मिले, तो कल के लिए उनको मुझे मिलना था, कल उनसे मिलना था, लेकिन अभी आखिरी बार मुलाकात आपकी हुई थी? मेरी आखिरी बार एक महीना पहले उनसे मिला था। कल उनसे मिलने का टाइम? बहुत लंबी बातचीत हुई मेरी उनकी, हमेशा पारिवारिक बातचीत होती थी मेरे लिए। वो एक बड़ी बहन थी, एक संरक्षक थी, एक नेता थी, एक दोस्त थी, एक मार्गदर्शक थी, एक संरक्षक थी, सारी बातें थी उनकी। तो ये थे सतीश महाना जो बता रहे थे कि सुषमा स्वराज के निधन के बाद अब एक आम कार्यकर्ता, बीजेपी का जो सदस्य है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसके किस तरह के भाव। और बहुत सहज तरीके से उन्होंने बताया कि जिसने सुषमा स्वराज को जिस तरह से देखा, वो उसे उसी तरह से नजर आई। कभी वो मार्गदर्शक थी, कभी वो संरक्षक थी, कभी यहां पर पार्टी की मार्गदर्शक भी बनी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता रवि सराफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से उनके निधन की खबर अब धीमे धीमे हर किसी तक पहुंच रही है, चाहे राजनीतिक खेमे से हो, चाहे दूसरे खेमे से हो, हर कोई दुख जता रहा, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? जी सलीन, देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको एम्स की बाहर की तस्वीरें दिखाता हूँ। एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, जिनके पास ये सूचना पहुंच रही है, तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। पूर्व ये कहा जा सकता है कि अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो एम्स पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों में, बिल्कुल गुलाम नबी आजाद जो है एम्स पहुंच गए हैं, और तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो एम्स पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी एम्स में मौजूद है, और एम्स की बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको कि जैसे जैसे सूचना ये पहुंच रही है लोगों तक, यहां पर जो सुषमा स्वराज के जो प्रशंसक हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो एम्स के बाहर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा की भी यहां पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि व्यापक इंतजाम किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर में एम्स पहुंच सकते हैं। देख रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान है वो यहां पर मौजूद है, और तमाम एक एक करके तमाम पक्ष विपक्ष केंद्रीय मंत्री जो है एम्स पहुंच रहे हैं, और मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा एम्स के बाहर है। तो ये कहा जा सकता है कि देश के लिए एक शैलेंद्र बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सुषमा स्वराज जिनको सभी दलों में कहीं ना कहीं स्वीकृति थी, और सुषमा स्वराज को कहा जा सकता है बहुत ही कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनी थी, 25 साल की वर्ष में उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री बन गए, तो एक रिकॉर्ड बनाया था। तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं शैलेंद्र एम्स की बाहर, एक ट्रैफिक जाम भी हो चुका है, और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एक एक करके एम्स पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे सूचना मिल रही है तमाम जो प्रशंसक हैं वो भी एम्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी क्षति है देश के लिए, क्योंकि सुषमा स्वराज का जो कार्यशैली था, जिस अंदाज से वो काम करती थी, उनको कहीं ना कहीं आज पूरा देश मिस कर रहा है। राकेश सिन्हा जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनसे राकेश जी किस तरह से याद करते हैं सुषमा जी? देखिए, एक अनुशासित और प्रतिबद्ध नेता को भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। उनका एक राष्ट्रीय चरित्र था, और अपनी उदारता से जन सरोकारों के द्वारा के कारण वे देश में जाने जाएंगे, वर्तमान ही नहीं बल्कि पीढ़ियों को भी अपने कर्तित्व और व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित करेंगे। आखिरी वक्त कब आपकी उनसे बात हुई थी, क्योंकि 3 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया था? नहीं देखिए, वो राष्ट्रीय पार्टी में थी तो हम नेतृत्व थी तो उनसे बात होती रहती थी, लेकिन मेरी लंबे समय से बात नहीं हुई थी। लेकिन बात होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उनका कर्तित्व और व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाएगा। चलिए, तो ये राकेश सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सलेन, जिनको आप सुन रहे थे, ये साफ तौर पर याद कर रहे उनको, और तमाम नेता जो है भावुक भी हो रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने बात किया था सतीश महाना से, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री औद्योगिक विकास
विकास मंत्री उनके वो भावुक हो चुके थे उनको याद करते हुए, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनकी शैलेंद्र छवि थी, सभी नेता उनको कहीं ना कहीं पसंद करते थे और कार्यशैली 25 साल की महज उम्र में वो कैबिनेट मंत्री बन गई थी, एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था और लगातार संघर्ष करती रही, चाहे वो विधायक रही हो, केंद्रीय मंत्री रही हो। आप देख रहे तस्वीरें, लगातार जो तमाम सांसद हैं वो एम्स पहुंच